चोरी की एक और घटना कटिहार जिले के बलिया बलोन क्षेत्र अंतर्गत रिजवानपुर पंचायत के बनिया टोली वार्ड नंबर 13 में देखने को मिली। यहां रहने वाले अनवर आलम के घर के दरवाजे बंद थे, दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन बीती रात चोरों ने दरवाजे की कुंडी ही तोड़ डाली और घर में घुसकर घर का सारा सामान लेकर चलते बने। यहां का घर भी सूना था। घर का मालिक अनवर आलम मजदूरी करने राजस्थान गया हुआ था। जब ग्रामीणों ने अनवर आलम के घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत की सूचना मोबाइल पर अनवर आलम को दी। अनवर आलम ने हाथों हाथ अपने दामाद नियाज अहमद को अपने घर भेजा। नियाज अहमद ने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला और कुंडी सभी सुरक्षित है, लेकिन जब वह घर का मेन गेट खोलकर घर के अंदर पहुंचा तो अंदर की स्थिति को देख वह चौंक पड़ा। अंदर बने तीनों दरवाजों की कुंडियां टूटी हुई थी और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सभी ने देखा कि घर के अंदर रखी हुई लोहे की अलमारी भी टूटी हुई थी। चोरों ने खासकर घर के अंदर रखे नगद और जेवर ही उड़ाए थे। नियाज अहमद ने तुरंत ही इसकी सूचना बलिया बलोन पुलिस को दी और मामला दर्ज करवा दिया। जानकारी हुआ था, थोड़ा सा आवाज हुआ बिल्ली की तरह से, हम उठे थे, हम सोचे बाहर बिल्ली कहीं खुदक गया, तो उठे बाहर के पेशाब पेशाब किए, लाइट वाइट मारे, लाइट वाइट मार के देखे तो कुछ पता नहीं चला। गेट भी बंद था, गेट में कुछ नहीं था, गेट भी खुला नहीं था, तो सोचे जी कुछ नहीं है, हम लोग जा करके फिर सो गए। आपको लग रहा है जो ये गेट के बाहर से ही एंट्री किया है वो? हाँ, बाहर से एंट्री, बाउंड्री, हाँ बाउंड्री तरफ से एंट्री किया। पता क्या चला जो इसमें कितना का क्षति हुआ है, क्या क्या लगी गया? क्षति लगभग पकड़िए कम से कम 2 लाख का लगा। मोहम्मद परवेज सर, इस संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं है और ना ही यहाँ के आसपास के लोगों को कोई जानकारी थी, ना कोई सूचना था कि बीती रात को जो है कोई तरह का अप्रिय घटना घटा है हमारे ससुराल में। हम लोग औचक यानी कि अचानक आए, क्योंकि दिवाली की छुट्टी आज से स्टार्ट है, तो दिवाली की छुट्टी के छुट्टी को लेकर के हम लोग सोचे कि ससुराल हो आते हैं, एक दो दिन ठहर करके फिर वापस चले जाएंगे। इस बीच में जैसे ही हम 5:20 में गेट खोल के यानी आंगन का गेट खोल करके जैसे इंटर किए, आंगन में ही खड़ा होकर देख रहे हैं कि तीनों रूम का ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक करदा भी है वो बरामदे पर रखा हुआ है। और देखने के साथ ही हमको मतलब थोड़ा सा लगा कि नहीं, घटना घट चुका है। और जब यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को कोई जानकारी है, तो ये लोग जो है कहे कि नहीं, रात में जो है मध्य रात्रि में हम लोग हल्का फुल्का आवाज़ सुने हैं तोड़फोड़ का, और तोड़फोड़ के दौरान जो आवाज़ सुने तो हम लोग बाहर भी निकले, ठीक है, इधर उधर लाइट मारे। इस बीच में जो है जो अपराधी थे वो नहीं सर, मेन गेट का ताला उला कोई भी ताला तोड़ा नहीं गया है सिवाय रूम के। वो जो है ये जो मेन गेट है, ये जो मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर से वो चढ़ करके तब नीचे उतरे हैं खिड़की के माध्यम से, और तीनों रूम का ताला तो नहीं तोड़े हैं वो, मतलब जो है कुंडी तोड़ा गया है। हाँ, उनका कुंडी तोड़ा गया है और ताला बिखरे पड़े हुए हैं। ताला अमानत है, जैसे जैसे का तैसा है, ताला को टच नहीं किया गया है। उसके बाद जो है वो मेन रूम पे गए, इंटर हुए, और इंटर होने के बाद जो गोदरेज था जी, कितनी का क्षति हुआ, क्या क्या लेके गए जी? तकरीबन जो है 2 भरी गोल्ड और 25 भरी चांदी, 30,000 रुपया नगद कैश और कीमती कपड़े जिसमें चादर लहंगा चुनरी वगैरह, और जो है अन्य डेली यूज में आने वाले जो सामान थे वो भी लेके गए हैं। क्या इसमें, इस घर में आपके ससुराल वाले कहाँ रहते हैं फिर? ये हमारे ससुराल वाले जो है तकरीबन 20 साल से निरंतर रूप से वो राजस्थान सीकर में रह रहे हैं। वहाँ जो है उनका डेयरी का कारोबार चल रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो है मिल करके पार्टनरशिप में वो काम कर रहे हैं, और कभी कभी साल में एकाध बार वो लोग 1-2 महीने के लिए आते भी हैं और आके चले जाते हैं। अब क्या मांग है प्रशासन से? जी, प्रशासन से मेरा यही मांग है, हम प्रशासन को जो है आवेदन सौंपे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हम उचित इन्वेस्टिगेशन कर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हमें बिहार के प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि वो
उचित इन्वेस्टिगेशन कर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद नियाज अहमद है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं नोरंगा गांव का रहने वाला हूँ, थाना मेरा आजम नगर है। ससुर का नाम क्या है जी? मेरा ससुर का नाम मोहम्मद अनवर आलम, पिता मरहूम ग्यासुद्दीन, साकिन बनिया टोली, थाना बलिया बिलोन, जिला कटिहार के अस्थायी निवासी। मौके पर मौजूद बलिया बिलोन थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश की जा रही है। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।